हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय तिवारी। वेलकम टू मैथ्स ऑन ट्रैक। सबका गणित, मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। टुडे I am going to talk about maxima and minima. This is very important topic in application of derivative class 12. Even in JEE exam, NDA, KVPY and different types of competitive exams, you will find maxima and minima problem. इसके लिए मैं आपको methods लेकर आ रहा हूँ और आपको डिटेल में बताऊँगा क्लियर कट वे में how to find maxima and minima of a function. देखो, तुम्हारे माइंड में दो क्वेश्चन इराइज होना चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए पॉइंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एन इंटरवल। तो मैं शुरू करूंगा एट ए पॉइंट। जब पॉइंट वाइज यू नो अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, तो यू कैन फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा इन एन इंटरवल। तो पहले पॉइंट को तो देख लें, पॉइंट वाइज। सपोज यू स्टडी एनी टॉपिक, तो पॉइंट वाइज उसको स्टडी करते जाते हो। जब होल टॉपिक को कवर कर लेते हो तो समझ लो इंटरवल हो गया। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जब आपके माइंड में देयर आर सर्टेन मिसबिलीफ कहा जाए, स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, कॉमन लैंग्वेज में भी या कॉमन सेंस में भी कुछ मिसबिलीफ होता है। पहला मिसबिलीफ है लुक एट द फिगर, मैक्सिमा एंड मिनिमा, आई विल कॉल दिस लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एट ए पॉइंट। जब बात करोगे तो मैक्सिमा मिनिमा एट ए पॉइंट तो you will call this local word, local maxima और minima कहोगे। and local maxima and minima, these two terms combined together, अगर दोनों को मिला दें तो उसको क्या बोलेंगे, रिल एक्सट्रीमम बोलेंगे। एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमम प्लूरल हो गया, तो we will call this extremum या एक्सट्रीमा में लिख देता हूं। एक्सट्रीमा मींस मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ टर्म्स आर इंक्लूडेड। अब प्लूरल लोगे, मोर देन वन, तो आई विल कॉल दिस एक्सट्रीमम, इसको बोलेंगे। तो ये पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा, व्हाट इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम इज प्लूरल ऑफ एक्सट्रीमा, मिनिमा मैक्सिमा combined together is extrema, plural extrema, maximums minimums. तो ये एक मैंने फिगर, आई हैव ड्रॉन वन फिगर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड, उसको देखोगे तो आज का मेथड तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा मेथड वन, इसको बोलेंगे बेसिक मेथड। कोई भी सवाल हो यू कैन अप्लाई दिस मेथड, इनिशियल मेथड, देसी मेथड। अब क्या है, एक फिगर मैंने बताया, सपोज y इक्वल टू fx एक कर्व है, दिस इज x एक्सिस, तो कर्व इज लाइक दिस, अप डाउन ये हो रहा है, इधर जिगजैग भी हो गया है। तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, देखो C0 पे क्या है, तो एट पॉइंट C0 फॉर दिस कर्व, C0 पे देखो कर्व नीचे आया C0 पे, फिर ऊपर चला गया, तो C0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोएस्ट है। Now come to C1, जैसे ही C1 के पास आते हो लेफ्ट से, तो पहले C1 के को कवर करते हो लेफ्ट से, तो ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो, तो दिस इज मैक्सिमा। तो मैं लिखता जा रहा हूं, ये है मिनिमा, ये है मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ से ही बता रहा हूं। फिर C2 पे जैसे आते हो तो नीचे आ रहे हो, तो ये हो जाएगा मिनिमा। फिर क्या हो गया मैक्सिमा, फिर क्या हो गया मिनिमा, फिर C5, वेरी गुड पॉइंट C5, x इक्वल टू C5 पे क्या होगा बच्चों, पता नहीं क्या होगा। तो C5 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसका मीनिंग है जहां भी मैक्सिमा मिनिमा बात करोगे दैट पॉइंट मस्ट लाई इन द डोमेन, तो ये डोमेन में नहीं है तो कहोगे नाइदर। we cannot talk about maxima and minima at x equal to C5. These are points on x-axis. C6 भी एक important point है. x equal to C6 at x equal to C6 देख लो डार्क किया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है. C6 पे वैल्यू है आपका फंक्शन का, डार्क डॉट से दिखाया गया है, तो डिफाइंड तो है C6, लेकिन उसके नेबरहुड में जब जाते हो तो वो कम है नेबरहुड, तो C6 हाईएस्ट पॉइंट हो गया. तो आई विल कॉल दिस मैक्सिमा. इसका मीनिंग क्या है? इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो क्या आप इस फिगर से व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस फिगर, क्या क्या तुम्हें आइडिया मिला? बहुत सारा आइडिया मिला. क्या? मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट मस्ट लाई इन द डोमेन. फिर दूसरा आपको क्या आइडिया मिला? व्हाट इज सेकेंड आइडिया यू आर गेटिंग? तुम ही बोलोगे. नेबरहुड में देखते हो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा देखते हो तो नेबरहुड में देखते हो. मैथमेटिक्स में नेबरहुड का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट इन द लेफ्ट एंड राइट, ऑन द लेफ्ट एंड राइट. तो नेबरहुड में देखते हो मैक्सिमा मिनिमा के लिए. अगर नेबरहुड, दोनों नेबरहुड से, मैं जैसे हाथ उठा रहा हूँ, देखना मेरे बॉडी को, ऐसे मैंने कर दिया. हेड को समझना, दोनों हैंड कर्व है सब कुछ. हेड जो है नेबरहुड में, दोनों हैंड आगे ऊपर चला गया. ठीक है, दिख रहा है? तो ये हो गया मिनिमा, क्योंकि नेबरहुड में हाथ का जो टिप है दोनों हैंड्स का वो ऊंचा है, हेड से ऊंचा है, तो ये होगा मिनिमा. और मैं हैंड को नीचे कर देता हूँ, दिस पोस्चर. अब व्हाट अबाउट हेड? अगर हेड पॉइंट है कोई, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दोनों साइड से ये सबसे ऊंचा है. तो नेबरहुड में हम लोग देखते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, पॉइंट पे हम लोग देखते हैं. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो आप इसको, पहला रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा डोमेन में होना चाहिए. एक्स इक्वल टू ए मस्ट बिलोंग टू डोमेन. कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल से कोई मतलब नहीं. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक्स इक्वल टू ए मस्ट लाई इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन में होना चाहिए. अब उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है? तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए वी विल कंपेयर द वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट. तो मैं दो फिगर बनाने जा रहा हूं, एक मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए भी फिगर आई एम गोइंग टू ड्रॉ. तो देखो बच्चों, बहुत इजी डायग्राम है. सपोज मैं मैक्सिमा के लिए एक आई टेक दिस कर्व, सपोज ये y इक्वल टू fx, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a. तो x इक्वल टू a के नेबरहुड में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा a माइनस h लेफ्ट में, राइट में तुम्हें मिलेगा a प्लस h. This is x axis. So y equal to fx पे जब देखोगे तो you will find this as fa. a पे वैल्यू क्या होगा? fa होगा. a plus h पे क्या वैल्यू होगा? f of a plus h. What is value at a minus h? तो this is f of a minus h. तीनों को कंपेयर करोगे. ये देखो मैक्सिमा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट कंडीशन. तो क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए? कंडीशन इज एफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच. एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ध्यान रखना. तो नेबरहुड से कंपेयर करोगे और एफ ए का वैल्यू दोनों नेबरहुड देख लो, एफ ए माइनस एच लेफ्ट हैंड नेबरहुड, एफ ए प्लस एच राइट हैंड नेबरहुड, दोनों से बड़ा होगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए. आई हैव रिटन एंड, तो यू विल कॉल द फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए. सो वी कैन कॉल दिस इज रिलेटिव मैक्सिमम और मैक्सिमम एट x इक्वल टू a और लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू a. So this is the figure I have written for maximum and this is the condition. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए एट ए टाइम देन यू विल से फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू। अगर ये इनवैलिड हो गया अदरवाइज तो यू विल से नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाउ मिनिमम में देख लो सेम लॉजिक। सपोज दिस इज एक्स एक्सेस, आई एम ड्रॉइंग कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये ए है एक्स इक्वल टू ए। दोनों नेबरहुड में जाओगे तो दिस साइड इज ए माइनस एच एंड दिस साइड इज ए प्लस एच। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए प्लस एच ए माइनस एच? दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच, दिस इज एफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच। सो वी हैव थ्री हाइट्स वैल्यूज ऑफ किसका? एफ एक्स का। एफ ए, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच। तीनों को कंपेयर करोगे तो वी हैव कंडीशन इज, आई एम गोइंग टू राइट एफ ऑफ ए मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ए टाइम। So we will call x equal to a is point of minima, local maxima, extrema, whatever you term use. So we have these two concepts. इसी को use करोगे। I call this functional approach. क्या इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ? This is very best method, basic method. कोई भी numerical हो तो you can call this. और इसको यूज कर सकते हो तो आई विल कॉल दिस फंक्शनल अप्रोच। तो फंक्शंस का वैल्यू नेबरहुड में देखते हो। अगर दोनों नेबरहुड से बड़ा है, जहां मैं खड़ा हूं दोनों नेबरहुड से बड़ा है वो वैल्यू, तो हो गया मैक्सिमा। अगर मैं जहां खड़ा हूं दोनों नेबरहुड से छोटा हो गया, दोनों नेबरहुड से छोटा हो गया। ध्यान से सुनना, जहां मैं खड़ा हूँ सपोज एक्स इक्वल टू ए और मैं नेबरहुड से नीचे हूँ तो मिनिमा, जहां मैं खड़ा हूँ नेबरहुड से मैं ऊपर हूँ तो मैक्सिमा। तो दीज आर रिलेटिव टर्म्स, आई कॉल दिस लोकल मैक्सिमा मिनिमा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये देखो इसमें क्या फायदा है, यू कैन अप्लाई दिस मेथड वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, discontinuous, differentiable, non-differentiable, everywhere. So you can apply. Very important point. We can apply this method. Function अगर discontinuous हो वहाँ भी apply कर सकते हो। Continuous हो तो you can apply there also. डिफरेंशिएबल हो तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो एंड नॉन डिफरेंशिएबल हो वहां भी अप्लाई कर सकते हो। तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड एनीवेयर, वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। और अपने माइंड से एक आइडिया हटा लेना कि मिनिमा पे जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमा से हमेशा कम होगा। यहाँ देखो ये जो मेरा मिनिमा है, यहाँ देखो ये मिनिमा है और इस मैक्सिमा से ये बड़ा है। तो मैक्सिमा एट मिनिमा एट सम पॉइंट कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमा एट अदर पॉइंट। क्योंकि ये लोकल है तो नेबरहुड में चेक करना था। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। आई कॉल दिस बेसिक मेथड। नाउ आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड एंड आई थिंक योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। Now look at the problem I just discussed, maxima and minima. Question f(x) mod x. Look at the problem. x 0 से 2 में है, x 0 पे 1 है, at x equal to 0 maxima or minima or neither. You have to explain. So what I told you, function is continuous, discontinuous, differentiable, non-differentiable. We do not bother about this thing. इसके बारे में चिंता छोड़ दो। अब चिंता करो कि उसके नेबरहुड में क्या वैल्यू है। तो देखते हैं चिंता छोड़ के क्या मिलता है। तो सॉल्यूशन वेरी इजी। क्या मैंने कहा, फंक्शनल टेस्ट लगाओगे। पहले तो उस पॉइंट को देख लो, पहले देख लो जीरो पे, देख लो जीरो के 0 पे 1 है, जीरो के दोनों साइड में ये जीरो दे रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं वो नहीं लेने जा रहा हूँ। एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो निकालोगे। एफ ऑफ जीरो क्या है बच्चों, फॉर्मूले से देख लो, जीरो पे वैल्यू वन है तो क्या बताओगे वन, तो एफ जीरो वन। मैं जिस पे मैक्सिमा निकालूंगा पहले उसका वैल्यू तो देख लो, तभी तो कंपेयर करोगे, पर उसी से ही तो कंपेयर किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम, अमीर हो गरीब हो मैक्सिमम मिनिमम। तो एफ जीरो पहले अपने बारे में तो जान लो, तो ये हो गया अपने बारे में जानना। अपने बारे में जान ही नहीं रहे, मैक्सिमम मिनिमम आप कंपेयर कर रहे हैं। एफ जीरो इज वन, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ये लिमिट नहीं है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जीरो माइनस एच मुझे बता दो कहां से मिलेगा, फॉर्मूले देख लो, जीरो माइनस एच इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा फर्स्ट वाले में। तो वी हैव दिस इज मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, सो दिस इज एच। एच सब लोग जानते हैं मैथ्स में, एच एच क्या होता है हॉर्स, मैथमेटिक्स में एच स्मॉल एच लिमिट में काफी यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच। सो ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एच बताओ, तो ये भी उसी फॉर्मूले में रखोगे फर्स्ट में। अगेन दिस इज एच पॉजिटिव, वन से तो कम ही होगा एच, एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तीनों को कंपेयर करना है। फ्रॉम अबव वी कैन से दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो माइनस एच एंड एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो दोनों नेबरहुड से जीरो पे जो वैल्यू है वो बड़ा है। जब दोनों नेबरहुड से तुम बड़े होगे तो क्या बोलोगे, दोनों नेबरहुड से तुम बड़े होगे तो व्हाट यू विल टेक मैक्सिमा। सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। कंपेयर मैंने किया, वेरी गुड क्वेश्चन। सीधा कंपेयर करो, ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ में फटाफट इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जीरो पे देख लो वन है तो वन मैंने कर दिया। मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये ग्राफ तैयार हो गया। ग्राफ से भी कंपेयर कर सकते हो, वन जो है नेबरहुड से, जो नेबरहुड है उससे बड़ा है। I think this is clear graphical approach। ये मैथमेटिकल लगा दो फटाफट। Now come to second question। यहाँ भी देख लो सॉल्यूशन। किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है x इक्वल टू वन पे। तो पहले अपने बारे में तो जान लो। f1 क्या होगा बच्चों, तो वन इसमें इंक्लूड है तो टू इंटू वन क्या हो गया टू। एफ ऑफ वन माइनस एच, तो वन माइनस एच इसी फॉर्मूले में होगा, वन से कम, वन से कम तो इस फॉर्मूले में आएगा। तो वी हैव टू इंटू वन माइनस एच, तो ये हो गया टू माइनस टू एच, तो टू से तो कम ही है, दिस इज लेस देन टू। एंड एफ ऑफ वन प्लस एच बच्चों बताओ क्या मिलेगा। अगेन वन प्लस एच इसमें आएगा तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ वन प्लस एच, सो दिस इज माइनस वन माइनस एच। अब तीनों को कंपेयर करो, और ये सब लोग जानते हैं टू से, ये टू से छोटा ही है, तो दोनों टू से छोटा है। ओके, सो वी हैव, यहां से देख सकते हो, फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज एफ ऑफ वन is greater than f of 1 minus h and f of 1 is greater than f of 1 plus h. both conditions are satisfied, दोनों तरफ से वो क्या है f1 बड़ा है। this implies x equal to 1 is local maximum। क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसे रफ स्केच ड्रॉ करता, कोई भी फिगर हो, कंपेयर करो, हाँ दोनों साइड से या तो बड़ा, दोनों साइड से या तो छोटा, एक जैसा नेचर दोनों नेबरहुड से होना चाहिए। आई एम ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ मी, तो मैक्सिमम। आई एम स्मॉलर देन ऑल द नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ मी, तो मिनिमम। आई एम स्मॉलर then neighborhood. I think this is clear. I have explained the basic concept in very clear cut way. ग्राफ भी बनाकर कंपेयर कर सकते हो, दोनों साइड में सेम नेचर होना चाहिए, दोनों साइड बड़ा या दोनों साइड छोटा, अपोजिट नेचर का नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा। Maths on Track in every video for different types of exam like JEE आपका टारगेट है, कुछ लोगों का टारगेट है NDA, कुछ बच्चे का टारगेट है KVPY, कुछ बच्चे का टारगेट है कि मुझे सारे एग्जाम में बढ़िया करना है, कुछ बच्चे का टारगेट है बोर्ड। ऑल स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड हियर, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस सबका गणित। मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो, जेई स्टूडेंट्स ऑल्सो, केवीपीवाई स्टूडेंट्स ऑल्सो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, ऑल स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड हियर। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।